है तुम्हारे पास? दिखाओ ना कैसा है। लिफाफे, तो गाइस मैं लिफाफे का क्या करूंगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग वीडियो। और आज हम लोग रात में लखनऊ की व्लॉगिंग करने वाले हैं। साथ में मेरा दोस्त है और ये कुछ बोलना चाहता है अपनी इंस्टा आईडी के बारे में। तो गाइस, मेरी आईडी है mr17। एक बार चेकआउट जरूर करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, फॉलो करें। देखते हैं आज का क्या व्लॉग होने वाला है। लखनऊ में इतना ज़्यादा घूमने के बाद हम लोग लास्ट में आए हैं अपने एक क्लॉक टावर के पास, जो कि पीछे आप लोग देख रहे हैं। और मेरे साथ जो आए कम कमीना नहीं है यार, मतलब इतना रास्ते में गर्लफ्रेंड से अपनी बात करते हुए आए जिसका कोई जवाब नहीं है। सो गाइस, ये छोटा सा बच्चा मिला हुआ है और ये क्या बोल रहा है आप लोग सुनिए। क्या बोल रहे हो तुम? तो ये बोल रहा है कि इसका अभी कुछ बिका नहीं है, बट मैं कुछ बोल नहीं सकता यार। इसके पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? दिखाओ ना कैसा है। लिफाफे 40 का एक गड्डी ये बंदा लिफाफे बेच रहा है और छोटा सा है। और क्या बोले, मतलब अभी मैं लिफाफे का कोई काम नहीं है तो मैं इसको 10 रुपीज़ दे देता हूँ, कुछ खा लेगा, कुछ कर लेगा। ऐसे बच्चों की तुरंत मदद करनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है यार मदद करना, क्योंकि भगवान ने अगर हमको दिया है तो जरूर मतलब किसी ना किसी की मदद करेंगे। और भाई तो आप लोग ऐसे, जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो करते जाएगा इस तरह इन बच्चों की हेल्प ज़रूर होगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहना और ये 10 रुपीज़ मैं बच्चे को दे रहा हूँ। और ये तुम कुछ खा पी लेना, बट ऐसे किसी से मत बोलना कि तुम्हारे पास बिक्री हुई है। नहीं, मेरे पास अगर ग्रॉसरी शॉप होती तो मैं पक्का ले लेता है चीज़, लेकिन मेरे पास ग्रॉसरी शॉप नहीं है, इस वजह से मैं नहीं ले रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे ऊपर मैंने तुमको दे दी जितने मेरे पास थे भाई, जितने मैं कमा लेता हूँ, जितनी मेरी हैसियत है। बस देखूँगा आगे चल के, अगर चैनल चलता है तो इन सबकी भी मदद करूँ। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और मतलब मौसम इतना ऑसम है और ये देख लो भाई, बोल रहे हैं ट्रेलर था और पिक्चर बाकी है, तो देखते हैं क्या सीन होने वाला है आज का। और रात के लगभग बज रहे हैं अभी 8 बजने वाले मैक्सिमम, और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं लखनऊ में। सो गाइस, दिल थाम के आप लोग बैठे थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेन व्यू है वो है ये पीछे जो आप लोग देख रहे हो, ये रोमी दरवाजा, जो कि लखनऊ का भूलभुलैया माना जाता है। और मतलब भाई रात में यहाँ का जो व्यू है वो क्या ही बोले यार, दिन में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। बिकॉज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ जो रात में है वो बिल्कुल ही क्लोज़ हो जाता है। ये जो अंदर आपको टिकट मिलेगा यहाँ पे बिल्कुल क्लोज़ हो जाता है, क्योंकि भाई ऐसा बोलते हैं कि रात में यहाँ पर आत्मा वगैरह होती है। नहीं, ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर रात में शायद आत्मा वगैरह भी रहती हैं उसके अंदर, जो अंदर बहुत बड़ा बना हुआ है। और वो सुबह कितने बजे, लगभग कितने बजे खुलता होगा? मैक्सिमम 10 के आसपास खुलता होगा और शाम 5 बजे बिल्कुल भी क्लोज किया जाता है। गाइस, आप लोग बताना अभी आत्मा में मानते हो कि नहीं मानते हो, तो कमेंट प्लीज। कभी अगर नहीं, कभी अगर टाइम मिला तो डे में जरूर आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग करूंगा इसकी अंदर की जो भी सीन है। और इनकी रात में खुद ही पट्टी आने में यहाँ पर नहीं, मैं बोल रहा हूँ दिन में अगर मैं ब्लॉगिंग करूँगा तो दिखाऊंगा आप लोगों का क्या सीन है, कैसा है। सो ये बंदे को मैं अगर ला पाऊंगा तो जरूर लाऊंगा, अगर ये फ्री रहा, क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड से इतना बिजी है कि भाई क्या ही बोले यार, मतलब फ्री नहीं रहता है। और भाई हम लोगों की लोकेशन से, इसकी लोकेशन से लगभग कितने किलोमीटर होगा? ये होगा कम से कम 10 या 15 किलोमीटर। हाँ, तो लगभग मेरा मान के चलो यहाँ वहाँ से यहाँ तक होगा 30 किलोमीटर की रेंज में होता है मेरा लोकेशन। बट मैं इसको ड्रॉप करके ही घर जाऊँगा। और हम लोग सिंगल हैं, जिसको भी गर्लफ्रेंड बनना हो तो अगर कोई जरूर, अगर कोई लड़की है तो कमेंट में अपना नंबर दे सकती है, बिकॉज हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे और कमेंट भी करेंगे एंड उससे बातें भी करेंगे। और लड़कों को जल्दी कर देंगे। और मेन मैं आपको बता दूँ कि मेन जो है वो है लड़की की बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरत है इस ब्लॉग में। हिसाब से तो यहाँ पर ये लवर्स पॉइंट भी होता है, बिकॉज यहाँ पे लवर्स भी रहते हैं बहुत सारे। सो अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप आ सकते हो, अगर लखनऊ में हो आप लोग। बड़ी अफसोस की बात है, हम दोनों की नहीं है, खासकर मेरी तो नहीं है। भाई सिंगल है, लेकिन कुछ नहीं, ठीक है, सब कुछ बेस्ट है। एंड मैं तो सीधे ये बोलूँगा भाई, ब्लॉगिंग जो बंदी करना चाहती है कमेंट में नंबर दे सकती है अपना, और हम लोग देखेंगे तो ट्राई जरूर करेंगे उसके साथ ब्लॉगिंग करने के लिए। और
मतलब क्या ही बोले, बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग, तो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि बैठ लेते हैं, और ये तो बिल्कुल ही थक गया है और ये इंस्टा पे लाइव आ रहा है, मतलब इस बंदे को कुछ भी हो जाए, थक जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बंदा लाइव जरूर आएगा इंस्टा पे। अगर वो बाहर घूमने आता है तो लाइव जरूर ही आता है। और भाई कुछ मुझे लगता नहीं है सही है, और बारिश भी मतलब स्टार्ट हो गई हल्की हल्की सी, देख लो ये बारिश भी होने लगी, तो घर क्या ही जाएंगे, अभी तो 30 किलोमीटर दूर है घर, लेकिन अभी तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, देखते हैं यार मतलब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। और ये इतना कमीना हो चुका है कि ये देख लो मेरा फ़ोन लेके अपना अकाउंट लॉगिन करके लाइव आया है, मतलब भाई कुछ होते हैं ना छपरी मैं छपरियों को टैग करना चाहता हूँ इसके साथ शहर में। सो गाइस यूपी में जो चीज़ फेमस है मैं उसके बारे में बता दूं कि यहाँ पर अगर आपको आपके पास अगर गाड़ी नहीं है, अगर कोई भी साधन नहीं है और आपको कोई छोटा बिजनेस करना है, तो भाई मतलब ये देख लो भाई बाइक का मतलब ऐसा डिज़ाइन कर रखा है इस बंदे ने, ये मतलब ये ठेला है, और वो सामने स्प्लेंडर बाइक है जो कि बहुत फेमस होता है यहाँ पे, अधिकतर गाड़ियाँ आप लोगों को इस तरह दिख जाएंगी जो भी बिजनेस करता है। एंड जैसा मैंने बताया कि पीछे जो मतलब जो बंद रहता है वो क्या है, तो वो जो पीछे आप लोग देख रहे हैं अंदर से जाके बहुत ही बड़ा है, और अपने भाई तो लाइव हैं, इनको ब्लॉग में नहीं आना, और मतलब इसके अंदर जो भी मतलब सीन बोले तो देखते हैं मतलब क्या सीन होने वाला है, और अगर टाइम मिलेगा तो मैं ब्लॉग जरूर इसका बनाऊं। डेली ब्लॉग तो मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ यार, मतलब क्या बोले तो हफ्ते दो हफ्ते बाद मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और डेली ब्लॉग्स के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मतलब देखूंगा तो ब्लॉग बनाऊंगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।